जोहार सगुंदरम या यूट्यूब चैनल रिमिल एमटी ते इंगी मीठी टुडू चलावन ऑक्टो 8 जनवरी 2022 रे एसपी कॉलेज दुमका रे सोहरायकुन ने डालिया एसपी कॉलेज दुमका रे मिद दिन आखड़ा सोहराय रे चिकु बुगी बड़ी कथा आंजम न्यामो कना ओना कथा गी मोस ते ब्राय लगी ते निया वीडियो दो मुचे दबी नियाल तबुन पे दो साल पहले ओंडा एसपी कॉलेज रे प्रोग्राम रे पार्टिसिपेट लेदा तो यह अभी मज के तहकना मेनखान बात रे नेल को कुड़ा गिद्र एकदम जैसे सगोय आले से तो सगोय संथाल परगना दा नुंका तो इटा जायगा रे बाको जैसे नते टाटा सेर दो अंते तो बाको उनका सगोय तो सगोय वर्ड तो अंते तो बनुआ मेनखान अब संथाल परगना रे नोवा सगोय रे सिस्टम मेना तो सगोय रे सिस्टम दा चेकना जैसे बोले गगोहड़ को एनेजो कना थार ते है ना तो सगोय को कुड़ा दा साइड रे को सगोया मि आड़ी रे नते मुचर मेनखान नोडे दुमका रे नो एसपी कॉलेज रे नो नेल केदा बोले सगोय दा को एकदम सामने रे को सगोय दा जबकि सामने रे तुंगदा टमाक रु वाला उनको को था ना सगोय हड़ दा सामने रे बा को था ना उनको आड़ेर को था मनखान नोडे दा एकदम सामने रे को था ना अनुन कभी कभी को सामने हजु अनुन बोले अचग होय आंडा खै नुन परेशानी होय आर कुछ बैड कमेंट को पासा मतलब अश्लील कमेंट को पासा कुछ न्यू कते को हजु आ बांगानो कथा को रोडा नवा चीज नेल कदा इने मे तिग नेल कथा यो कला गुकी ओका आई ओकाटा पोस्ट कथा दयो कना ओकाटा पोस्ट का आई ओना दो ओंडे दो बाय पोस्ट का फेसबुक अकाउंट रे दो जे नोडे दो नुंका को सगोयदा से नुंका को येदा ओंडे ना ओकाटा ओका या ऑल कना नेल बेन मोय था लतार रे ओना रे ऑल का बोले न्यूहुमो कना कटी कटी कुड़ी गिद्र को हजु कना उनको को और दिए को गजार से अद नवा अली बडाय सनाय लिया बोले रजनी मुर्मू वारना प्रूफ मैडम बोले तीस प्रूफ ए मानवारिया नहीं है तो जैसे कि मैं कॉलेज की टीचर हूँ यहाँ की तो हमारे कॉलेज में सोहराय होता है जो आदिवासी संथाल आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व होता है तो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट भी ये त्यौहार मनाते हैं जैसा कि मैं यहाँ अभी गोड्डा कॉलेज में हूँ तो गोड्डा कॉलेज में भी दो साल पहले मैंने यहाँ भी सोहराय अटेंड किया था और चूंकि मैं संथाल महिला हूँ मुझे सोहराय नृत्य करना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने बच्चों से कहा कि चलो हम लोग भी डांस करते हैं तो मेरे जो आदिवासी कलीग थे दो उनके साथ मैंने डांस में पार्टिसिपेट किया लेकिन कुछ देर के बाद वहाँ पे कुछ नशे में कुछ लड़के आए और बदतमीजी करने लगे थे और इतनी ज़्यादा उन्होंने बदतमीजी की कि मुझे डांस छोड़ना पड़ा तो ये मेरे लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग था। आप एक अपना त्यौहार के लिए जितना आपके मन में रिस्पेक्ट होता है ना आप पंची पढ़ाट पहन के जाते हो सोहराय में तैयारी करते हो उसके लिए आप शॉपिंग करते हो और इसके बाद वहाँ पे जाके आपके साथ कोई अभद्र व्यवहार होता है तो ये बहुत ही दुखद बात है। तो इस बात को लेकर मैं हमेशा ही सोचती थी कि इस बात को लेकर कि मुझे उठाना चाहिए सोशल मीडिया में या बच्चों से मुझे बात करनी चाहिए तो इस बारे में मैंने कुछ लड़कों से बात भी की थी तो उन्होंने कहा कि क्या कीजिएगा मैडम सोहराय में ऐसे होता है ना। तो मैं एसपी कॉलेज दुमका में भी वहाँ भी मैंने पार्टिसिपेट किया था दो साल पहले तो वहाँ भी ऐसे ही होता था और लड़कियाँ मुझे बार बार फ़ोन करके बोलती थी कि मैडम ऐसा होता है हम लोग नहीं जाएंगे वहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इसी बात को लेकर के मैंने सोशल मीडिया में अपने फेसबुक अकाउंट में एक पोस्ट लिखा था कि एसपी कॉलेज में इस तरह की घटनाएं होती है छेड़छाड़ होती है लड़कियों के साथ धक्का मुक्की होती है सगोई जो होता है लड़कियां डांस करते वक्त सगोई करते हैं तो सगोई में वो लोग छेड़छाड़ करते हैं और टच गलत तरीके से टच करने की बैक टचिंग जिसको हम लोग कहते हैं तो वो करने की कोशिश करते हैं। तो वही उसी संबंध में मैंने बहुत ही शालीनता से एक पोस्ट लिखा था कि हमें अपने समाज को ठीक करने के लिए ये सारी चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए और आयोजक मंडलों को ध्यान देना चाहिए। फिर मैंने इतनी ही बात लिखी बात के लिए वो लोग उग्र हो सारे लोग नहीं कुछ लड़के जो है नेतागिरी करते हैं अपने आप को नेतागिरी करके वो अपना राजनीति चमकाना चाहते हैं तो उन्होंने मेरा यूज किया और मुझे फोन करके धमकी भी वो लोग दे रहे हैं।